तो हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही सिंपल होने वाली है, लेकिन इस मोटर से जो प्रोजेक्ट बनने का ना, अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। अब देख पा रहे हैं, ये मोटर कुछ यूनिक मोटर है दोनों तरफ से। लेकिन गाइस, मैं बता रहा हूँ कि इस मोटर का जो है अभी हालत ख़राब है, सीरियस है, क्योंकि इस मोटर जो हम ये जो है पता नहीं रन नहीं कर रहा। तो इस छोटा सा मोटर को जो मैं रिपेयर करूँगा, ठीक है। अब देख पा रहे, कुछ इस तरह का मोटर अगर रहता तो इसे फेंक देते, हटा देते, ठीक है। लेकिन दोनों मोटर में से बहुत अलग है दोनों। आप देख पा रहे हैं, इसका दोनों साइड निकला हुआ है और यहाँ सिर्फ एक साइड। यहाँ कुछ प्रोजेक्ट हमें अच्छा बनेगा और मैंने बनाया भी है, ठीक है। तो चलिए, इससे तो मैं ख़राब होगा तो फेंक भी सकता हूँ, ये मिल जाएगा कहीं दोबारा। लेकिन ये सब जो है मोटर उतना जल्दी नहीं मिलता। तो चलिए, मैं इसको रिपेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब देख पा रहे हैं, तो इसको सबसे पहले मैं खोलना पड़ेगा। मैं आपको चेक करके सबसे पहले दिखा देते हैं, ठीक है, दोनों। तो गाइस, ये रहा मेरा 5 वोल्ट, और मैं इस पे जैसे ही घूम रहा था, है ना। अब इसका बारे इसको देखते हैं। तो वैसे अब देख पा रहे, कितना भी हाथ ये उंगली से घुमाने से ये नहीं घूम रहा है, ठीक है। गाइस, ये रियल में जो है ये वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। इसमें शायद ओवरलोड, ज़्यादा पावर देने की वजह से ख़राब हुआ है। तो चलिए, अब मैं सबसे पहले इसे ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसका बहुत ही आसानी से ये खुल जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से ओपन कर लेना है, देखते हैं यहाँ प्रॉब्लम पता चलता। ओ नो, हाँ गाइस, यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, थोड़ा ओवरलोड होने के कारण आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो इसका यहाँ से फेविक से निकालना पड़ेगा। चलिए, से मैं काट लेता हूँ, तभी निकलेगा मेरा। अब जो है ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो गाइस, हम आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें बिल्कुल सही है, यहाँ कोई भी ख़राब नहीं है। यहाँ इसका आर्मेचर जो है बहुत ही बेस्ट है और ख़राब मुझे नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ देखो, देखेंगे तो फिर यहाँ पे हमको पता चलेगा, ठीक है। तो गाइस, अब देख पा रहे हैं, हमारा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे था, है ना। अब देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सही है और एक जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो गाइस, अगर इसे आप बनाना चाहते हो तो मैं भी बता दूंगा कि किस तरह से, यह भी बता दूंगा कि किस तरह से इसे रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और नहीं तो फिर इसे आप चेंज कर दें इस तरह से, ठीक है। एक मेरा सही है, एक ख़राब है। तो चलिए, मैं दूसरा मोटर से एक निकाल लेता हूँ ये, है ना। और अगर नहीं है आपके पास तो इस तरह का प्लेट में बना दूंगा, ठीक है, कॉपर का। तो चलिए, मैं दूसरा मोटर से ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी हमको प्रोजेक्ट भी बनाना है जल्दी। तो गाइस, इस मोटर से मैं निकाल लूँगा इसका। और आप, ये मोटर तो आपको याद ही है किस तरह बनाए थे, और इसमें ओवर पावर दिए थे तो ये पिघल गया था, ये तो पता ही है, ठीक है। तो ये ख़राब है, तो चलिए मैं इसे निकाल लेता हूँ, ठीक है। अब देख पा रहे हैं, इसका पीछे साइड जो है इसका होल ये पिघल गया था, लेकिन इसका ये जो है यहाँ पे ये बेस्ट अच्छा है। तो चलिए, क्यों ना मैं इसी को निकाल लूँ, ठीक है। तो किधर साइड, उधर साइड का खराब था ना, तो चलो एक मैं इस साइड का निकाल लेता हूँ, है ना। ये
अब जो है गाइस इसे अच्छे से यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो गाइस अब देख पा रहे हैं कि इसको अच्छे से सेट कर दिए हैं। ठीक है, अब जो इसे लगा देते हैं। ठीक है, और पहले इसको डालेंगे, देखेंगे कि आपस में अच्छे से सेट है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब जो इसको लगा देंगे। तो लो गाइस ये हो चुका है, अब चेक करते हैं। ठीक है, अब पावर देते हैं। गाइस अब देख पाए कितना स्मूथ ये घूम रहा है, आपको नहीं पता चल रहा तो मैं कुछ लगा देता हूँ इसमें। ठीक है, तो गाइस इसी तरह से बस, और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत डीसी मोटर है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक, कभी कभी हाई वोल्टेज से ये ख़राब हो जाता है। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।